टाटा आईपीएल 2022 मैच नंबर 13 रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच घमासान मुकाबला। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर दो ऐसी टीम है जिन पे नाम पे देखे तो रॉयल्स आता है और इस सीजन काफी अच्छे से खेलती भी नजर आई है। लेकिन बात करें इस मुकाबले की कि कौन सी टीम के अंदर ज्यादा दमखम देखने को मिला, किस तरीके से एक बार फिर से जॉस बटलर के बल्ले से आया रनों का तूफान और सचमुच जॉस इज द रियल बॉस इन T20 मैचेस। आप सभी को बताएं इस मुकाबले में हर्षल पटेल जैसे बेहतरीन गेंदबाज होने के बावजूद भी जॉस बटलर को जल्दी आउट नहीं कर पाए। कई मौके तो बने लेकिन जॉस ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया और किस्मत का साथ पाते हुए एक बेहतरीन पारी खेली और जो उम्मीद की जा रही थी कि मैच फिनिश करके देंगे, शुरुआत की पहली गेंद खेली और अंत तक टिके रहे, ये अच्छी बात रही टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए। राजस्थान इस सीजन गजब की यहाँ पर खेल दिखा रही है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बरकरार है। तो वही बैंगलोर की टीम भी अपना पिछला मुकाबला कोलकाता को हरा कर आई थी जो बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। बात करें इस मुकाबले की पूरी जानकारी की, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। बात करें इस मुकाबले की तो वानखेड़े स्टेडियम तो बोला जा रहा है लेकिन वानखेड़े की पिच जैसा भी यहां पर माहौल देखने को नहीं मिला है। वानखेड़े की पिच पर काफी रन बनते थे लेकिन यह किसी टेस्ट मैच की पिच लग रही है, T20 जैसा फील यहां पर नहीं आ रहा है। बात करें इस मुकाबले की तो संजू सैमसन एक तरफ राजस्थान रॉयल्स कप्तान तो फैफ डू प्लेसिस कप्तानी बैंगलोर की यहाँ पर बता दें। आप सभी को बता दें कि फैफ डू प्लेसिस बहुत बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं इस सीजन और इस सीजन इनकी प्लेइंग 11 इस मैच में यानी कि मैच नंबर 13 में और इनके पर्सनल मैच नंबर 3 में प्लेइंग 11 देखने को मिली। फैफ डू प्लेसिस, अनुज रावत, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, शरफन रदरफोर्ड, शहबाज अहमद, वानिंदू हसरंगा, डेविड विले, हर्षल पटेल, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, यहाँ पर अभी कुछ नामों की बड़ी यहाँ पर मिसिंग है। जैसे कि बात करें ग्लेन मैक्सवेल, साथ ही साथ जोस हेजलवुड, अगर ये तीन बड़े नाम जुड़ जाएंगे इस टीम से तो ये टीम और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी ओवरसीज खिलाड़ियों के दम पर, क्योंकि जॉस हेजलवुड को आप जानते ही ऑस्ट्रेलिया खतरनाक गेंदबाज और मैक्सवेल तो खतरनाक ऑलराउंडर हैं ही, उनकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। तो वो शायद अगले मैच से जुड़ते नजर आएंगे लेकिन इस मुकाबले में ना सही। राजस्थान की प्लेइंग 11 हमें देखने को मिली, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल को एक और मौका दिया गया था, शुरुआती दो मुकाबले फ्लॉप होने के बाद आज भी फ्लॉप रहे लेकिन शायद अगला मौका भी दिया जाए अगर टीम जीत जाती है तो। देवदत्त पडिकल, संजू सैमसन, शिमरन हेटमायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन और इनके साथ साथ हमें देखने को मिले इनके साथ ही खिलाड़ी नवदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल। एक खास बात आपको बताया दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि करीब यहाँ से 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले खेलते थे RCB के लिए और अब वो राजस्थान की टीम के लिए खेल रहे हैं, जैसे देवदत्त पडिकल हो गए, तो वहीं बात करें नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, ये तीन बड़े खिलाड़ी हैं जो पहले खेलते थे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से लेकिन आज के मुकाबले में ये राजस्थान से खेले रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ, ये गजब की बात है और साफ साफ देखने को मिला कमजोरी भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में। अब शुरुआत यहां पर कुछ इस तरीके से रही कि बैंगलोर के कप्तान फैफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का नहीं गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान की टीम पहले यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आई, राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 यानी कि 169 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए। जी हां दोस्तों, ये बड़ा स्कोर एक तरीके से है क्योंकि जैसी शुरुआत रही थी राजस्थान की टीम की उसके मुकाबले तो ये बहुत बड़ा स्कोर माना जाएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजस्थान शुरुआत में और मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छा नहीं कर पाई थी, इसकी वजह से हमें देखने को मिला। आपको बताएं दोस्तों, ये लगातार दूसरा मैच है जो 169 पर आकर टिका। कल लखनऊ और हैदराबाद का मुकाबला ही 169 पर था लखनऊ का पहला स्कोर और हैदराबाद ने वो डिफेंड कर लिया था और 12 रन से जीत दर्ज कर ली थी। ऐसे कुछ इस मुकाबले में होता तो राजस्थान तो मतलब गजब कर जाएगी। अब राजस्थान की तरफ से बल्लेबाजी में जॉस बटलर ने एक बार फिर से दमखम दिखाया, शिमरन हेटमायर इस सीजन काफ़ी अच्छे रन बना रहे हैं, देवदत्त पडिकल ने भी बैंगलोर के खिलाफ बदला लेते नजर आए। जॉस यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने के लिए उतरे लेकिन यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग फ्लॉप रही, यशस्वी जायसवाल अपने तीसरे मुकाबले में भी फ्लॉप रहे और सिंगल डिजिट पर पवेलियन वापस गए। 6 गेंदों में 4 ही रन बना पाए ये युवा खिलाड़ी और बहुत ही खराब प्रदर्शन इसने किया जिसके दम पर टीम की शुरुआत बहुत खराब रही। जहां बात करें दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर 6 रन पर यहां पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिर गया था और ये बहुत बड़ा विकेट था जो कि लिया था डेविड विले ने। डेविड विले ने शुरुआत में ही खतरनाक गेंदबाजी करी थी जिसके दम पर टीम बैंगलोर ने पकड़ बनाए रखी। दूसरे छोर से जॉस बटलर और देवदत्त पडिकल अब यहां पर साथ देने के लिए आए थे। इन दोनों के बीच दोस्तों 70 रन की यानी कि 70 रन की पार्टनरशिप हुई, वो भी 10 ओवर के बीच, यानी कि शुरुआती 2 ओवर तक तो 6-7 रन बने थे, उसके बाद लास्ट के यहां पर 8 ओवरों में 10 ओवर से पहले अच्छे खासे रन तो बने 70। लेकिन हाँ, इसमें ज्यादा बड़ा खासियत हमें ये देखने को मिला कि देवदत्त पडिकल ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजीज के खिलाफ बहुत तगड़े रन बनाए। जी हाँ दोस्तों, 29 गेंदों में 37 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, 2 चौके 2 छक्के इसमें शामिल थे।
29 बॉल में 37 रन। हर्षल पटेल ने इनका विकेट लिया, कैच पकड़ी थी कप्तान कोहली ने। कप्तान कोहली ने जो कैच पकड़ी उसका DRS भी लिया गया एम्पायर द्वारा चेक करने के लिए कहीं गेंद जमीन पर तो नहीं छोड़ी। कोहली उससे नाराज भी दिखे। संजू सैमसन आ चुके थे, देवदत्त पडिक्कल को रोका गया। काफी सस्पेंस मैदान पर था लेकिन देवदत्त पडिक्कल आउट पाए गए और 76 रन पर टीम का दूसरा विकेट गिरता है टीम राजस्थान का। तो 10वें ओवर तक का स्कोर टीम राजस्थान का 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। अब अगले 10 ओवरों में टीम ने यहां पर अच्छे खासे करीब करीब 90 रन से प्लस बनाते नजर आए, जिसमें शिमरन हेडमार और जॉस बटलर का पूरा योगदान रहा। जी हां दोस्तों, आपको बताएं तो संजू सैमसन बीच में बल्लेबाजी करने आए थे और इससे पहले हमने देखा था संजू सैमसन वर्सेस वानिंदु हसरंगा बहुत लंबा पुराना राइवलरी है। T20 मुकाबले में जब जब संजू सैमसन आते हैं सामने तो इनके सामने वानिंदु हसरंगा को ले आओ, ये पक्का विकेट लेकर देते हैं। ऐसा अभी तक का 90-80% रिकॉर्ड सही साबित रहा है और इस मुकाबले में भी वो देख लिया। वानिंदु हसरंगा की ओवर की पहली गेंद पर ही छक्का तो लगाया था संजू सैमसन ने, लेकिन चौथी गेंद पर ही संजू सैमसन को चलता कर दिया वानिंदु हसरंगा ने। आप सभी को बताया किस तरीके से 8 गेंदों में 8 रन बनाकर खेले थे संजू सैमसन, एक बड़ा ही बेहतरीन छक्का लगाया था लेकिन उसके बाद आउट हो गए वानिंदु हसरंगा के उस ओवर में, जहां पर टीम का स्कोर 12वें ओवर के चौथी गेंद तक सिर्फ 86 रन पहुंचा था और 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद जॉस बटलर और शिमरन हेटमायर ने मैच को संभाल लिया, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने गजब की बल्लेबाजी करी। वैसे तो रन मतलब जिस हिसाब से जिस श्रेणी के दोनों बल्लेबाज हैं उस हिसाब से यहां पर इन्होंने बल्लेबाजी नहीं करी, 83 रन बटोरे। उसके बाद हमने देखा लास्ट के 8 ओवरों में 83 रन बहुत होते, 10 रन प्रति ओवर करीब करीब यहां पर बटोरा, जहां पर 31 गेंदों में 42 रन बनाए शिमरन हेटमायर ने। 4 चौके 2 छक्के इनकी इस पारी में शामिल थे। तो जॉस बटलर ने अपना 50 आज बड़ी धीमी गति से पूरा किया लेकिन इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गया IPL में। इन्होंने आज 2 छक्के लगाने थे, इनका शो यहां पर छक्के का रिकॉर्ड हो जाता पूरा, तो आज इन्होंने 2 नहीं बल्कि 6 छक्के लगाए। जी हां दोस्तों, 6 छक्के लगाए और प्लस पहले 135 रन पर ईशान किशन की बराबरी पर ही थे ऑरेंज कैप की लिस्ट में। तो इसके बाद हमने देखा किस तरीके से 205 रन के साथ ये ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी अब आगे हो गए हैं, नंबर 1 पर नजर आ रहे हैं, छक्के मारने में भी आगे होते नजर आ रहे हैं। तो जॉस इज द रियल बॉस इन IPL 2022, ये साफ नजर आ रहा है। शिमरन हेटमायर ने 31 बॉल में 42 रन बनाए, जॉस बटलर ने 47 बॉल में 17 रन बनाए। शुरुआत से लेकर अंत तक बल्लेबाजी करी जॉस बटलर ने, पहली गेंद से लेकर आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करी, ये एक अच्छी बात रही। डेविड विले ने 4 ओवर में 29 रन देते हुए 1 विकेट चटकाए। वानिंदु हसरंगा ने 4 ओवर में 32 रन देते हुए 1 विकेट चटकाया यहां पर संजू सैमसन का। हर्षल पटेल ने 1 विकेट चटकाया था देवदत्त पडिक्कल का। तो इस तरीके से 3 विकेट गिरे और 169 3 विकेट के नुकसान पर टीम राजस्थान का फर्स्ट इनिंग के दौरान स्कोर रहा। अब देखते हैं कैसे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम चेस करती, जिनके अनुज रावत अभी इतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ इनका जो मिडिल ऑर्डर है उसमें दिनेश कार्तिक अच्छी फॉर्म में है, लेकिन शरीफन रदरफोर्ड से थोड़ी और पारी की उम्मीद रखेंगे। वानिंदु हसरंगा बल्लेबाजी में एक ही मैच का मौका मिला था, कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन अब 170 कैच चेस करती है बैंगलोर की टीम, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। पूरी अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। ये था संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग का पहले इनिंग का हाईलाइट, उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अब चेस करना है बैंगलोर की टीम को 170, वो भी 120 गेंदों में नेक्स्ट 9